गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबोध व्याकरण, यह क्लास 8th की व्याकरण बुक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो है ही, साथ ही यह बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा भी है। इस दृष्टिकोण से हिंदी व्याकरण का अध्ययन और अध्यापन आवश्यक हो जाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्लास 8th के विद्यार्थियों के लिए सुबोध हिंदी व्याकरण नवीन पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। सुबोध व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर है हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। सुबोध व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर देख पढ़ेंगे हम भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या है सबसे पहले ये देखेंगे। इस पाठ में हम भाषा, भाषा के भेद, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और उसके अंग, यह टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भाषा। समस्त संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो न केवल चिंतन मनन करने में सक्षम है अपितु अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता भी रखता है। यही कारण है कि वह इतना विकास कर सका है और इसका साधन बनी है भाषा। वास्तव में भाषा मनुष्य के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। समाज के सभी कार्य भाषा के द्वारा ही संपन्न होते हैं। यदि भाषा न होती तो मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। सभ्यता के विकास के आरंभ में भाषा, भाषा के बोले जाने का ही रूप सामने आया। भाषा का यह रूप मौखिक था और कालांतर में जब मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने की आवश्यकता हुई तो इसका लिखित रूप अस्तित्व में आया। भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव दूसरों तक प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव को समझते हैं। हम अपने मन की बात किसी को कहते हैं और दूसरे की मन की बात समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा भाषा के भेद। विचारों की अभिव्यक्ति के दो मुख्य रूप सामने आते हैं। लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अतः किसी बात को बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भी भाषा है। मनुष्य अपने मन के भाव को दो प्रकार से व्यक्त कर सकता है, बोलकर और लिखकर। इसलिए भाषा के भी दो रूप मिलते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का आरंभिक रूप है। मौखिक भाषा में कुछ निश्चित ध्वनियों का प्रयोग होता है। रेडियो सुनना, फ़ोन पर बातें करना, आपस में बातचीत करना, भाषण सुनना या किसी को पुकारना आदि, ये सब भाषा के मौखिक रूप ही है। भाषा का मौखिक रूप स्थाई नहीं होता था और बोले जाने के तुरंत बाद वह नष्ट हो जाता था, किंतु आज ऐसा नहीं है। आज किसी भी मौखिक बातचीत को रिकॉर्ड कर उसे स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाना संभव हो गया है। आवश्यकता पड़ने पर इसे इंटरनेट के माध्यम से तुरंत दूर दूर तक पहुंचा पाना भी संभव है। सेकेंड टॉपिक है हमारा लिखित भाषा।
जब हम अपनी बात लिखकर बताते हैं और दूसरे व्यक्ति उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का औपचारिक रूप होता है और व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। पुस्तकों और समाचार पत्रों की भाषा लिखित भाषा होती है। दूर रहने वाले मित्रों और संबंधियों को पत्र लिखना, कविता या कहानी लिखना लिखित भाषा के रूप हैं। लिखित भाषा का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति का निःशिक्षित होना, शिक्षित होना आवश्यक है। यह भाषा का स्थायी रूप होता है जिसे लिपिबद्ध कर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे बार बार पढ़ा जा सकता है। भाषा के अनेक रूप में सबसे पहली भाषा है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ है माँ की भाषा। विद्यालय जाने से पहले बालक अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। सेकंड है राष्ट्रभाषा। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। हिंदी भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती है, इसलिए यह भारत की राष्ट्रभाषा है। राजभाषा। देश में सरकार के कार्यालयों में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी, इसलिए देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी समस्त भारत की राजभाषा है। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार का भी राजभाषा है। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ने इसे द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। संसार में अनेक देश हैं और सबसे अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रशियन आदि। अंग्रेजी संसार के कई देशों में बोली और समझी जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। बोली। चलिए देखते हैं बोली क्या हो, बोली किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप उसकी बोली कहलाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली खड़ी बोली केवल बोलचाल के काम आती है। इसे भाषा का मानक रूप नहीं माना जाता। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। अधिकांशतः यह आपसी बातचीत के काम आती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली खड़ी बोली केवल बोलचाल के काम आती है। लिपि। लिपि का अर्थ है लिपना या चित्रित करना। भाषा को लिखने और बोलने के लिए मनुष्य ध्वनियों का सहारा लेता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं जिसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है।
भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं अलग अलग होने पर भी उनकी लिपि एक हो सकती है, जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी। इन तीनों भाषाओं की एक ही लिपि देवनागरी है। प्रत्येक भाषा के वर्णों की बनावट एक जैसी नहीं होती, इसलिए अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। यहाँ चार्ट दिया गया है भाषा और लिपि का। हिंदी, संस्कृत, मराठी, इसकी लिपि देवनागरी है। उर्दू की लिपि फारसी है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। बंगला की लिपि बंगाली है। तमिल की लिपि तमिल है। अंग्रेज़ी की लिपि रोमन है। व्याकरण, हिंदी व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन और उसका विश्लेषण कर उसका एक मानक रूप स्थापित करता है। व्याकरण से हम शुद्ध भाषा लिखना और बोलना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण का ज्ञान होने पर ही व्यक्ति उस भाषा के प्रयोग में कुशल हो सकता है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। व्याकरण की परिभाषा, जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का अध्ययन निम्नलिखित तीन वर्गों के अंतर्गत किया गया है। पहला वर्ग है वर्ण विचार। व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है शब्द विचार। इस विभाग में शब्दों के रूप, भेद, लिंग, वचन आदि का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है वाक्य विचार। इस विभाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्हों आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।